बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी हलचल की। जिया खबर भोपाल से, जहां प्रियंका गांधी पर अब एफआईआर कराएगी एमपी बीजेपी। 50 फीसदी कमीशन बांटने वाले ट्वीट को झूठा बताया है और झूठे पत्र के आधार पर प्रियंका से ट्वीट कराया गया, ये वीडी शर्मा ने कहा। आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने झूठा पत्र मीडिया में वायरल किया है और कांग्रेस ने कोर्ट तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले, वीडी शर्मा के अलावा नरोत्तम मिश्रा ने भी इसको लेकर बयान दिया और कहा कि पहले राहुल से और अब प्रियंका से झूठ बुलवा रही है कांग्रेस। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक बार प्रियंका गांधी पर अब एफआईआर कराने की तैयारी में एमपी बीजेपी नजर आ रही है। आपको बता दें 50 फीसदी कमीशन बांटने वाला जो ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से आया था, उसके बाद यहां पर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है और एफआईआर कराने की अब तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने यह कहा कि झूठे पत्र के आधार पर प्रियंका से ट्वीट कराया गया है और कांग्रेस ने झूठा पत्र मीडिया में वायरल भी किया है। साथ ही साथ वीडी शर्मा ये भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस ने कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने झूठा पत्र बनाकर और इस पत्र को मीडिया में सर्कुलेट करके आपने न्यायालय तक को नहीं छोड़ा है। आपके अंदर सत्ता की इतनी भूख है कि आप परेशान है इस बात के लिए कि कैसे झूठ परोस करके मध्य प्रदेश के अंदर ये किया जाए। ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता, आप भ्रम में हैं। आपने जो कॉन्स्पिरेसी की है, आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए एमपी बीजेपी की बात करें तो एफआईआर की तैयारी कर रही है, एफआईआर कराएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस झूठे पत्र का जिक्र किया जा रहा है, आखिर ये झूठा पत्र आया कहां से? कांग्रेस के क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? देखिए, कांग्रेस के नेता भी ये साफ नहीं कर पा रहे कि आखिर पत्र उनके पास से कहां आया, कहां से आया। शायद यही कारण है कि उस पत्र को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में बवाल मचता नजर आ रहा है। खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया, कोऑर्डिनेटर नेशनल कोऑर्डिनेटर जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि इस तरीके से मध्यप्रदेश सरकार 50% कमीशन के खेल पर चल रही है और कैसे ग्वालियर में ठेकेदारों ने एक पत्र जो है वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ग्वालियर को दिया है जिसमें 50% कमीशन की बात कही, और उसी पत्र और ट्वीट को लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती नजर आ रही है। और अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की जो लीगल सेल है वो प्रियंका गांधी के खिलाफ और बाकी तमाम जो नेता जिन्होंने उस पत्र को लेकर ट्वीट किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इंदौर में एक एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हो चुकी है। तो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उन नेताओं पर लगातार आरोप लगा रही है कि किस तरीके से झूठ बोलते हैं, किस तरीके से जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, और खासतौर से जिस तरीके से 2018 में राहुल गांधी से झूठ बुलवाया और अब प्रियंका गांधी से झूठ बुलवा रहे हैं। ना ही उस पत्र की जाँच की गई है, ना ही वैसा कोई ठेकेदारों का कोई संगठन है, ना ही जो पत्र वायरल हुआ उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि वो उसका पता कहाँ है, कौन से पदाधिकारी और कब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को ये पत्र दिया है। तो तमाम जो आरोप हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और झूठ के आधार पर ही कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और बीजेपी को एक मौका मिल चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता दुष्प्रचार करते हैं कि कैसे 50% पर मध्यप्रदेश में ठेके लिए जाते हैं, कमीशन पर काम चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में ये फॉर्मूला अपनाया था और अब मध्यप्रदेश में वो फॉर्मूला अपनाने की तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक गलती के कारण ही वो ट्रोल होते नजर आ रहे हैं और अब बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। कैसे एक झूठे लेटर को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ना ही पदाधिकारियों के नाम है, ना ही उस लेटर की कोई सत्यता है, बिल्कुल ये जो लेटर सामने आया है इसकी सत्यता को लेकर बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी अगर ये पत्र सही निकलता है या फिर झूठ निकलता है, तो ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सूरज आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे।